Hello friends, now today I am going to explain the topic tRNA. Strand tRNA is an adapter molecule. tRNA is an adapter molecule. Strand Francis Crick proposed the presence of adapter molecule. जो फ्रांसिस क्रिक थे उन्होंने अडाप्टर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस को प्रपोज किया था कि उन्होंने बताया सेल के अंदर कोई एक ऐसा आरएनए होता है जो एक अडाप्टर मॉलिक्यूल होता है और विच कुड रीड द कोड ऑन वन एंड, जो एक एंड पर कोड को रीड करता है एंड ऑन द अदर एंड, और दूसरे एंड पे ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड को बाइंड करता है। तो स्टूडेंट जो टीआरएनए होता है वो एक एंड पे कोड को रीड करेगा और दूसरे एंड पे वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड को बाइंड अप करेगा। तो ये वर्क जो है टीआरएनए का है। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट आई विल डिस्कस हियर स्ट्रक्चर ऑफ द टीआरएनए, स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। तो स्टूडेंट टीआरएनए जो होता है स्टूडेंट, इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एक किलोमर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। इसमें स्टूडेंट फाइव आर्म्स होते हैं। फर्स्ट है स्टूडेंट एंटी कोडान लूप। यहाँ पे ये नीचे की तरफ देखिए, ये कहलाता है एंटी कोडान लूप। इस एंटी कोडान लूप में स्टूडेंट क्या होता है, इट हैज बेस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोड। इसमें नीचे की तरफ बेस जो होते हैं और उनके कॉम्प्लीमेंट्री कोड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसी आर्म को एंटी कोडान लूप भी कहा जाता है। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट इज दैट अमीनो एसिड अडाप्टर एंड। दूसरा होता है अमीनो एसिड अडाप्टर एंड, जिसमें स्टूडेंट क्या होता है, इसका रोल है ये अमीनो एसिड को बाइंड अप करेगा। ये अमीनो एसिड को बाइंड अप करेगा। तो अमीनो एसिड को बाइंड करने वाला जो आर्म्स होता है टीआरएनए का, वो अमीनो एसिड आर्म कहलाती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट टी लूप। टी लूप क्या करता है, इट हेल्प टू बाइंड द राइबोसोम। यहाँ पे टी लूप पे राइबोसोम बाइंड होगा। यहाँ ये जो आर्म है वो बाइंड करती है इसे राइबोसोम को बाइंड करेगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट डी लूप। डी लूप दैट इज अ डी लूप। इस डी लूप का वर्क है कि ये बाइंड करेगा अमीनो असाइल सिंथेटेज एंजाइम के लिए। ये बाइंड करेगा टू वाइल्ड अमीनो असाइल सिंथेटेज एंजाइम को ये डी लूप बाइंड करेगा। स्टूडेंट टी लूप और डी लूप, टी लूप में राइबोसोम बाइंड अप होता है और डी लूप से अमीनो असाइल सिंथेटेज बाइंड अप होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट वेरिएशन आर्म। दिस इज द वेरिएशन आर्म या वेरिएबल आर्म। दैट इज वेरिएबल आर्म, ईच टीआर वेरिएबल आर्म। तो स्टूडेंट यहां पर ये जो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये स्टूडेंट किलोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और ये 3D टर्शियरी स्ट्रक्चर कहलाता है और ये डिपिक्ट करता है किसके रूप में डिपिक्ट करता है कि एक जैसे इनवर्ट
टीआरएनए। नेक्स्ट एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ईच टीआरएनए